एक बात बताइए कि बहुजन समाज की आइडियोलॉजी की क्या जरूरत पड़ती है, वो बताएं प्लीज। बहुजन आइडियोलॉजी इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ा जरूरत है। जरूरत इसलिए है, अगर आप देखेंगे तो पिछले दो दशक दो दो 20 साल करीब जो थे, डिविसिव फोर्सेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से डराते हैं, कम्युनल वायलेंस इतना स्प्रेड करते हैं। इस दौरान जो भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, जो बीजेपी का आए या कांग्रेस का आए, उनका जो इस मुद्दों को लेके लोगों से डील करना, कम्युनिटी से डील करने का कोई अलग तरीके नहीं थे। दोनों एक ही तरीके अपना रहे थे, बोलना अलग थे दोनों पार्टियों का, मगर करना एक ही थे, ये हमने देख चुका है। तो अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुली आगे बढ़ना हो तो एक रूलिंग आइडियोलॉजी होना चाहिए, एक ऑपोजिशन आइडियोलॉजी होना चाहिए। जब तक आपस में डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स और डायलॉग नहीं होता, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी काम कर ही नहीं सकता। और इसमें आप अगर देखें तो जितने बहुजन के जो लोग हैं, करीब 80% का से ज्यादा लोग है उसमें आ रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी जो है उसमें SC कम्युनिटी का और ट्राइबल कम्युनिटी का लोग बहुत ज्यादा सफर करते थे पिछले 70 सालों में। अभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर भी वही दिक्कतें आ रहे हैं। OBC कम्युनिटी को इतने इकोनॉमिकली कुछ कम्युनिटी हम आगे होंगे, मगर सोशली काफी नीचे है। और जो लेबर क्लास के अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जो मिनिमम वेजेस के तौर पे जो काम करने वाला कम्युनिटी है, अगर आप देखेंगे तो 90% आपको ये बहुजन कम्युनिटी का लोग मिलेंगे। और मिनिमम वेजेस आज कितने लोगों को मिल रहे हैं वो हम सब जानते हैं। ये सारे अगर देखेंगे तो जब तक बहुजन आइडियोलॉजी हमारे देश में नहीं आएगी, इकोनॉमिक पैरिटी नहीं आ सकता है। इकोनॉमिक पैरिटी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में ही कितने फर्क हुए, 1% जनता कितने टोटल इकोनॉमी अपने हाथ रखे हैं, और बाकी 90% या 99% लोग जो है इकोनॉमी का कितना हिस्सेदार है। अडानी अंबानी जिस स्पीड में आगे बढ़ रहे इकोनॉमिक उसमें, और बाकी जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये आप कंपेयर करेंगे तो जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है जी। जो बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है, दोनों देश का ऑर्डिनरी लोगों को इकोनॉमिकली नीचे कर रहे हैं। एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, मेडिकल सर्विसेज एक बिजनेस बन चुका है। जैसे ये दोनों सर्विसेज से लोगों को सबसे दिक्कतें आ रहे हो, वो सोशली कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जी तो ये अगर आना हो तो बहुजन आइडियोलॉजी आना है, और जब तक वो आइडियोलॉजी हमारे देश में सक्सेसफुली आगे नहीं उभरते, देश पर वो सक्सेस नहीं आता है। बहुजन आइडियोलॉजी का अलग अलग स्टेट वाइज पार्टियां एक साथ नहीं आते, जी ये देश को आगे बढ़ना, इस देश का वर्किंग जो पॉपुलेशन है, जो एक्चुअल वर्किंग क्लास है, उनको सोशली आगे बढ़ने में दिक्कत आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में बहुजन आइडियोलॉजी का सबसे ज्यादा जरूरत आज के युग में। आप थे पीएल जो साहब, जिन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया कि आज देश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो SC ST OBC की 85% जनसंख्या है, और वो बहुजन की आइडियोलॉजी को लेके अगर नहीं चलेंगे तो बहुत देश पीछे हो जाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुजन आइडियोलॉजी को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल से बात करने के लिए जो साहब बहुत बहुत धन्यवाद।